हासिल किए हैं कि जो निश्चित रूप से सोचना भी बड़ा मुश्किल होता है कि आखिरकार इन्होंने किस तरह से ऐसा मुकाम हासिल किया होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसे मुकाम जब हासिल होते हैं तो निश्चित रूप से जो है उनकी मेहनत होती है, उनकी जज्बा होता है। आदमी जलते हुए दिए को दिखता है दोस्तों, लेकिन उसके नीचे जो अंधेरा होता है वो अंधेरा उसने अपने दिल को जला कर के रोशन किया होता है। इसीलिए कहते हैं कि आप अपने हौसलों को बुलंद रखिए, क्योंकि कहा भी गया है कि मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके कदमों में जान होती है, और हौसलों से कुछ नहीं होता है, परों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। तो एक ऐसे ही हौसले से अपनी उड़ान रखने वाली, परवाज रखने वाली हमारी जो आदरणीय गेस्ट हैं हमारी, और सबसे पहले मैं नारी शक्ति से शुरू करना चाहता हूँ, मॉडल और हीरोइन उषा आमे जी हमारे बीच हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो स्टेज पर आएं और हमारी विशेष गायिका जो है अतिथि गायिका जया धाबेकर जी, ये उनका सम्मान कर दें। नारी के साथ नारी ही ठीक लगती है। इसके बाद हमारे सभी सहन शक्तियों की तरफ आ रहा हूँ, मतलब हमें पुरुषों की तरफ। लीजिए बेटा, सम्मान कर दो। इसके बाद हमारे जितने भी हमारे साथी आए हैं, मीडिया से आए हैं, उन सबका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, स्वागत करते हैं और उनका भी स्वागत करना चाहिए। सबसे पहले मैं हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त, हमारे बहुत ही प्यारे से इंसान, आदरणीय रियाज शेख साहब, TNN 24 न्यूज़ के एडिटर इन चीफ को बुलाता हूँ और उनका सम्मान करवाता हूँ। ये विशेष सहयोग सम्मान है दोस्तों कि आप आते हैं, हमारा एक जरा छोटा सा निवेदन स्वीकार करते हैं। सर दे दीजिए आप, विशेष सम्मान करते हैं, और उस सम्मान के साथ साथ जो है हमें भी अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं हम एक अच्छी दिशा में जा रहे हैं। और एक और हमारे विशेष मेहमान है जो दूसरे न्यूज़ चैनल से हैं, TV9+ से शुजात कुरैशी साहब है, एडिटर इन चीफ, मैं उनको भी बुलाता हूँ और उनका स्वागत करवाता हूँ, सम्मान करवाता हूँ। उसके बाद में हमारे रियाज शेख साहब के बहुत सारे साथी यहाँ पर आए हैं, उनका भी हम सम्मान करते हैं, जो कि TNN 24 न्यूज़ के सभी साथी लोग हैं, जो कि अलग अलग देश के कोने में अपना काम करते हैं, विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं। मैं इस क्रम में अचलपुर से TNN 24 न्यूज़ रिपोर्टर सैयद हुसैन साहब को बुलाता हूं कि वो आएँ और यहां पर हमारा ये मौका दें कि हम उनका सम्मान कर सकें, ये शरफ हम हासिल कर सकें कि वो यहाँ आए और हमने उनका सम्मान किया। TNN 24 न्यूज़ से ही तबस्सुम सैयद जी भी आई हैं। चलिए थोड़ी देर में आ जाएंगी मैडम जी। नरखेड़ से हमारे बीच TNN 24 न्यूज़ से ही रिपोर्टर साहब हैं, सुनील सिंह बरोले साहब, मैं उनको बुलाता चाहूँ। TNN 24 न्यूज़ से बहुत दूर दूर से आए साहब, सिर्फ हमारा एक छोटा सा निमंत्रण स्वीकार करते हुए कि नहीं आनंद भाई, आपने बुलाया है, तुम ज़रूर आएंगे। और इसमें से रियाज भाई का मुंबई में एक प्रोग्राम आ गया था, लेकिन उन्होंने जैसे मुझे बताया कि उन्होंने मुंबई का प्रोग्राम हमारे प्रोग्राम के लिए छोड़ दिया। ऐसे समर्पित लोगों के लिए ज़ोरदार तालियाँ बजवाना चाहता हूँ। और जो शुजात भाई है वो भंडारा में रहते हैं, भंडारा से रिपोर्टिंग करते हैं, और भंडारा से वो कल उन्होंने बातचीत हुई। मैं तो चाहता हूँ हर बार आए, लेकिन क्या होता है कि हर बार आपको तकलीफ देने से समझ में आता है कि पता चला कि रोज़ रोज़ बात हो गई, यार क्या यार रोज़ रोज़ नहीं बुला लेते हैं लोग, हाँ दाल चावल टेप का हो जाएगा। तो हमारे अगले 1 तारीख को भी आपको आना है, हमारा यहाँ पर नई और प्रोग्राम होने वाला है न्यू ईयर का, जो कि काफ़ी बड़ा प्रोग्राम होता है। ऐसे ही सुनील सिंह बरोले साहब आ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सीरज गाँव से हमारे बीच आदिल खान साहब हैं, मैं उनको बुलाता हूँ। TNN 24 न्यूज़ के ही हैं ये भी रिपोर्टर, हाँ नहीं नहीं मैं मोटरी साफ कर दीजिए। शेख नदीम साहब और वसीम पठान साहब भी आए, हमारे मेहमान हैं, उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और चूंकि हमारे सभी मेहमानों का यहाँ स्वागत सम्मान हो चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि मेहमान आए, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, और ज़्यादा की नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है, तो ये थोड़े नहीं साहब, ये बहुत ज़्यादा लोग हैं। मैं चाहता हूँ कि जब यहाँ हैं मीडिया से हैं, तो सभी लोग एक छोटा
छोटा इसलिए कि थोड़ा हम लोग के लिए बच जाए बाकी, क्योंकि एक बार रिपोर्टर के हाथ में अगर माइक आ गया तो क्या क्या रिपोर्टिंग करेंगे ये बताना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो मैं देता हूँ आप अपने मन से जो, सबसे पहले हमारे आदरणीय रियाज शेख साहब को मैं ये माइक देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। और अभी कुछ ही दिनों में जो दीपावली, ज़्यादा दिन नहीं हुए इसलिए दीपावली की भी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, प्यार भरी हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों मैं फ्रेंड्स म्यूज़िक हंगामा जो है वो पिछले बार भी मुझे एक साल हुआ उन्होंने यहाँ बुलाया था और बहुत ज़्यादा प्यार इन्होंने मुझे दिया था। और जब आनंद राज आनंद सर का मुझे फिर और परसों के दिन कॉल आया कि आपको आना होता है, तो ऐसा लग रहा था कि मेरी दीपावली और ईद उसी दिन की थी। मुझे इतनी खुशी हुई क्योंकि जो प्यार हमको मिलता है ना आप लोगों से, वो हमारे लिए 24 कैरेट सोना होता है, वही हमारी मोहब्बत होती है। इंसान वैसे भी मैंने कहा था कि पैसे का भूखा नहीं होता है, पर जब अगर प्यार मिल जाए ना थोड़ा सा तो बड़ा अच्छा लगता है, हम खुश हो जाते हैं उसी में। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आनंद जी आपकी पूरी टीम का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और उषा अम्बेसर जो आप देख रहे हैं, ये मॉडल भी है, एक्टर्स भी है, ये मेरी एक फ़ोन पर ही आई है और आज ही मैंने उन्हें कॉल किया था कि मैं माना पड़ता, तो वो मैं भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मेरी एक कॉल पर आई है और इतनी बड़ी एक्टर्स है वो आई है। और आपकी पूरी टीम का यहाँ जो स्टेज पे है उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ, शुक्रगुजार करता हूँ। तो ये जो वो पुरस्कार है ना, इसकी कीमत नहीं देखी जाती। आप लोग देख सोचिए अपने मन में, हम लोग रात दिन न्यूज़ चैनल में फील्ड में काम करते हैं, हर गरीबों की समस्या, उनके प्रॉब्लम्स जो है वो शासन प्रशासन के पुलिस के सामने ला के रखते हैं। और जब उसमें से 10 न्यूज़ में से अगर एक को भी न्याय मिलता है ना, तो कसम से हमको इतनी खुशी होती है कि नहीं हमने आज बहुत नेक और अच्छा काम किया। दो निवाले दो रोटी हम ज़्यादा खाते हैं उसमें। वो मेरी टीम है TNN 24 न्यूज़ चैनल की, जो अभी आप देख रहे हैं सब मेरे सामने, जो अमरावती, अचलपुर, परतवाड़ा, नरखेड़, यहाँ से ये लोग हैं और ये लोग अपनी मेहनत से काम करते, पैसे किसी का नहीं लेते, 50 रुपये का पेट्रोल खुद अपने पास का डालते, क्योंकि मैंने इन्हें बोला है। तो हमें पत्रकारिता अच्छे से करना है, ईमानदारी से करना है, जिस भी फील्ड में रहे तो बिल्कुल उसको ईमानदारी और अच्छे से उसको निभाना पड़ता है। अब साथों साथ वो लेकर साथों साथ मैं चाहूँगा कि आनंद राज आनंद सर जो है वो सबको सम्मानित यहाँ करते हैं और वो सबको प्यार देते हैं, लेकिन इन्हें कौन प्यार देगा, इन्हें कौन सम्मान करेगा, तो हम करेंगे TNN 24 न्यूज़ चैनल की ओर से उन्हें सम्मानित, उनकी पूरी टीम को मैं सम्मानित करूंगा अभी मेरे रिपोर्टरों के साथ, तो सबके साथ और इवन आपकी भी तरफ से, आप तो बैठे हैं अपनी जगह, लेकिन मैं उसमें आपको भी शामिल कर रहा हूं कि आप भी उसमें शामिल है मेरे साथ, वहीं से बैठे बैठे आशीर्वाद दे दीजिए आप सब लोग। और साथों साथ मैं चाहूँगा ये मेरी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से भेंट, और मैं चाहूँगा कि यहाँ फिल्म एक्टर एंड्स मॉडल्स आई है उषा आमे सर, जिन्होंने काफ़ी वेब सीरीज में काम किया है, मेरे साथ भी वो हंसते हंसते लौट, तो मेरे साथ हंसते हंसते लौट फोट, मेरी मूवी भी आ रही है जिसमें मैंने कमिश्नर ऑफ पुलिस नागपुर उनका रोल निभाया है, हंसते हंसते लौट फोट, और आने वाली और है 2-3 फिल्में, तो आप मुझे फिल्मों में भी देखेंगे उषा आम्बे सर के साथ में, ये मेरी उसमें हम लोग हैं। तो मैं चाहूँगा कि उनका भी सत्कार हमारे चैनल की तरफ से किया जाए। तो जय धाबेकर जी जो है वो उषा आम्बे सर का स्वागत करेंगे हमारी TNN 24 न्यूज़ चैनल की ओर से, क्योंकि जिस भी पुरस्कार को महिला का हाथ रखता है ना तो वो बहुत बड़ा होता है, फल फूल जाता है, क्योंकि हर कामयाब बीवी पति के पीछे ना पत्नी का हाथ होता है, ऐसा मैंने सुना था, पर मेरी शादी के बाद मुझे नहीं लगा कि मेरा ऐसा हो।
अच्छा वो मेरी वाइफ नहीं, नहीं तो मुझे बाहर जाना पड़ता। तो दोस्तों ये यहाँ पर रियाज शेख साहब विशेष रूप से कुछ सम्मान लेकर आए थे। एक तो हमारे पूरे साथियों का सम्मान था फ्रेंड्स म्यूजिकल हंगामा का, और उन्होंने कहा कि सही बात, बिल्कुल सही बात है कि हर सफलता के पीछे किसी ना किसी औरत का हाथ होता है। मेरे को आज तक नहीं समझ वो हाथ होता किधर है, लेकिन होता ज़रूर है। नहीं वो सर पे ही होगा, आप लोग गलत नहीं, गलत बात नहीं करना है, गलत बिल्कुल। अग्रवाल जी तो ऐसे संशयवास्पद ढंग से हंसते हैं, वो हाथ जो है ना सर पे होता है। ये अलग बात है कि इंसान की ज़िंदगी में दो ही औरत जो उसके सर पे हाथ घुमाती है, एक होती है माँ और दूसरी होती पत्नी। लेकिन दोनों में अंतर है, माँ सर पे हाथ घुमाती है तो सिर के बाल बढ़ते हैं, और पत्नी बाल हाथ घुमाती है तो सिर के बाल झड़ते हैं। और कई कई लोग तो ऐसे मिल जाते, पूरे प्लेन ऐसा लगता पूरे मोहल्ले की औरतों ने उनके सर पे हाथ घुमा दिया। तो बहरहाल आइए, ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दोस्तों हमारे दूसरे जो हमारे साथी हैं, मैं चाहता हूँ इधर आइए, आप ऐसे छुपे छुपे नहीं रहना है। हाँ, ये है हमारे बहुत ही प्यारे, मेरे बहुत ही अजीज मित्र रियाज शेख साहब के, नहीं हमें इनसे मिलवाया था, और आप हैं शुजात कुरेशी साहब, TV9 के न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर और एडिटर इन चीफ हैं। मैं चाहता हूँ कि इसके बाद बहुत अच्छा इमेज मेरे से अच्छा, जितने भी ये सब मेरे से अच्छा बोलते हैं, मैं थोड़ा कम बोलता हूँ, लेकिन अलग बात है लोग बोलते हैं कि ज़्यादा बोलता है, तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा ना बोलूँ, इनसे मैं बोलूँ। शुजात कुरेशी सर, ऐसा क्यों देख रहे हैं आप, लीजिए। ये जो आनंद भाई है, ये बहुत बारीक चीज़ है, ये सबके समझ के बाहर की बात है इनकी। इन्होंने जो काम शुरू किया है, जो मन इन्होंने, जैसा कि हमने अभी कोरोना काल में बहुत बोरिंग वक्त गुजारा है, परेशानी का बोरिंग वक्त गुजारा, ऐसे समय पे इन्होंने ये जो प्रोग्राम चालू किए इन्होंने, तो ऐसा लगता था कि जैसा कि बेहोश आदमी को जिंदा किए, होश मिलाए। और इनका जो प्रोग्राम है, ये सबसे ज़्यादा मायने इस बात पे रखता है कि ये ऐसे कलाकारों को चुनते हैं जगह जगह से, जो कि बाथरूम सिंगर जिन्हें कहा जाता है, उन लोगों को ला के इस मंच पे लाया जाता है, और उसको सजा के संवार के उसको निखार के ये आगे बढ़ाते हैं। सबसे बड़ा काम, माँ बाप से बढ़कर काम इन लोग कर रहे हैं, जो इनकी टीम है, ये 5-6 लोगों की टीम है, जिसको हम दिल से सैल्यूट करते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। और आनंद राज जी के बारे में जितना कहा जाए वो काम वो अपने बारे में खुद ही बोल देते हैं। और ये जो आज हम एक जगह हुए, इसके लिए आप सबको दिल से, तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। और हम, अरे सर आइए आइए, लो आप बोले। तो दोस्तों हमारे एक और हमारे वरिष्ठ साथी और हमारे मार्गदर्शक, हमारे एडवाइज़र अशोक देशमुख सर भी यहाँ आ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और हमारे बीच नहीं, वैसे तो कहा जाता है कि जब नारी सामने हो तो आदमी अच्छे अच्छे की बोलती बंद हो जाती है, इसलिए हम सबको मौका देते हैं। और आप ये ना कहें कि हमने गए और आनंद भाई ने जो है हमें बोलने का मौका ही नहीं दिया। तो हम चाहते हैं कि हमारी मशहूर मॉडल और हीरोइन उषा अमे जी जो हमारे बीच हैं, वो भी दो शब्द करके या तो हमारे शुभकामनाएँ भी दे सकती हैं। गुड इवनिंग तो नहीं हुआ है, हेलो एवरीवन, हो गया तो गुड इवनिंग। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, सडनली रियाज सर ने बोला और एकदम सडनली आई हूँ, इसलिए कुछ क्या बोलना है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप सब ने जो मेरा सम्मान किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अनंत राज जी की सारी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि हमारे जो दूसरे साथी आए हैं अचलपुर से सैयद हुसैन साहब, वो भी ये दो शब्द कह दें। अच्छा सैयद हुसैन साहब, TNN 24 से सैयद हुसैन अचलपुर से मुझे बुलाया गया है यहाँ पे। और सबसे पहले तो मैं फ्रेंड्स म्यूजिक हंगामा से अनंत राज जी सर का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके पूरे टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं मेरे दो शब्द खत्म। थैंक यू सो मच सर। इसी बीच हमारे बीच सुनील बरोले साहब हैं, TNN 24 न्यूज़ चैनल की ओर से मैं सुनील बरोले नरखेड़ से। आज जो फ्रेंड्स म्यूजिक हंगामा की तरफ से हमारा जो सत्कार किया है,
ये सत्कार के इस हकदार हम है, ये तो बहुत अचंभे की बात है, हमें भी लग रहा है कि नहीं एकदम से है। और रियाज सर जो थे जिन्होंने हमें गाइडलाइन किया और ये रिपोर्टर के इस फील्ड में आगे बढ़ाया, इसलिए मैं सबसे पहले रियाज सर का भी धन्यवाद करूँगा। और फ्रेंड्स म्यूजिक हंगामा जो ग्रुप है उनका तहे दिल से स्वागत करूँ, धन्यवाद दूंगा, धन्यवाद। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि इस स्वागत सम्मान का जो समारोह है यहां पर समाप्त हो चुका है, हमें प्रोग्राम को आगे भी बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हमारे सभी अतिथि जो हैं एक बार फिर सामने हमारे विराजमान हो जाएं, स्थान ग्रहण करें। और कुछ देर बाद यहां पर भारतवर्ष के मशहूर पार्श्व गायक एम ए खादर साहब का भी आगमन होने वाला है और वो हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी हैं। बहरहाल अब ये जो है रिपोर्टिंग का जो काम है, आप अपने काम को अंजाम दे सकते हैं, उसे बैठे बैठे में देखा आप लोग अपने काम को कर रहे थे। बहरहाल गीत और संगीत की इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स म्यूजिकल हंगामा का ये बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है। अगला गीत जो है, अगले गीत के लिए मैं